हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब की इस नए प्लेटफॉर्म बायोलॉजी प्लैनेट में मैं इमरान आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो शुगर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स के बारे में था। आज इस क्लास में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑयल क्रॉप्स। ऑयल क्रॉप्स को ओरिजिन के बिहाफ पे हम लोगों ने तीन पार्ट में कैटेगराइज कर दिया हुआ है, यानी ऐसा ऑयल जो हमें वेजिटेबल से मिलता है, ऐसे ऑयल को हम कहते हैं वेजिटेबल ऑयल। बहुत सारे ऑयल ऐसे होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, तो उसका नाम रखा गया एनिमल ऑयल। बहुत सारे ऑयल्स ऐसे हैं जो हम लोगों को मिनरल से मिलते हैं, मिनरल से डेराइव होते हैं, तो ऐसे ऑयल को हम लोग कहते हैं मिनरल ऑयल्स। लेकिन इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हम लोग ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। क्लास को थोड़ा इजियर बनाने के लिए हमने टॉपिक को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया हुआ है। पहली पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल ऑयल्स के बारे में और दूसरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे फैटी एसिड्स और फैट्स के बारे में। एसेंशियल ऑयल एक तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। इनके कॉम्बिनेशंस में बेंजीन के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, टारपीन्स हो सकते हैं, या फिर कोई हाइड्रोकार्बन हो सकता है। लेकिन एसेंशियल ऑयल्स के अंदर जो भी हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है उसकी स्ट्रेट चेन होती है। एसेंशियल ऑयल कौन कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? लैमिएसी, रूटेसी, जेरेनिएसी, एपिएसी, एस्टेरेसी, लॉरेसी, फैबेसी और पोएसी फैमिली। यानी जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो हमें इन सारी फैमिली से मिल सकते हैं या फिर इन सारी फैमिली के प्लांट से हमें मिल सकते हैं। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे फैटी एसिड्स और फैट्स के बारे में। जो फैटी एसिड्स या फिर फैट्स होते हैं उनका दूसरा नाम रखा गया है फिक्स्ड ऑयल। अब बात ये आती है कि इन्हें फिक्स्ड ऑयल क्यों कहा जाता है। तो ये नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं इसलिए इनका नाम रखा गया है फिक्स्ड ऑयल। अगर हम सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो इनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है वोलेटाइल और दूसरा हमारे पास होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल कौन से सब्सटेंस होते हैं? ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर इटसेल्फ इवोपरेट हो जाते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि उड़ जाते हैं। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो नॉर्मल टेम्परेचर पर इवॉपरेट हो जाए या फिर उड़ जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं वोलाटाइल। जैसे कि पेट्रोल, अगर आप पेट्रोल को ओपन करके रखते हैं तो आप देखते हैं कुछ देर के बाद वो उड़ जाता है ना। यानी ये यहाँ पे हुआ क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे उसने एटमोस्फेरिक टेम्परेचर को गेन किया और वो इवॉपरेट हो गया, तो उसे हम कहते हैं वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल क्या है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको इवॉपरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं नॉन वोलाटाइल। तो बेसिकली इसे फिक्स्ड ऑयल्स हम लोगों ने इसीलिए कहा हुआ है क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल नेचर के होते हैं, यानी इवॉपरेट इटसेल्फ नहीं होते हैं। कुछ ऑयल क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। पहली क्रॉप है ग्राउंडनट। इससे जो ऑयल हमें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंडनट ऑयल। मूंगफली, इसका साइंटिफिक नेम एरिचिस हाइपोजिया होता है। फैबेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसका जो ऑयल है वो नॉन ड्राइंग नेचर का होता है और ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें जो प्रिंसिपल फैटी एसिड होता है वो ओलाइक एसिड होता है। मूंगफली के तेल में फॉस्फोरस और वेरियस काइंड के विटामिन्स बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। विटामिन्स की अगर बात करते हैं तो इसमें थियामिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन प्रेजेंट होते हैं। अगली क्रॉप है कैस्टर ऑयल, जैसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में अरंड का तेल भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम रेसिनस कॉमेनिस होता है। U4BAC फैमिली से बिलोंग करता है। इसका ऑयल भी नॉन ड्राइंग नेचर का होता है और इसमें जो प्रिंसिपल फैटी एसिड प्रेजेंट होता है उसका नाम है रिसिनिलोइक एसिड। नेक्स्ट क्रॉप है मस्टर्ड
और सरसों से जो हमें तेल मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। सरसों का साइंटिफिक नेम ब्रैसिका कॉम्पेस्ट्रिस होता है। ये ब्रैसिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसमें जो प्रिंसिपल फैटी एसिड प्रेजेंट होता है उसका नाम है यूरेसिक एसिड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। मस्टर्ड से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में आए हैं या फिर इनके आने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें सभी लोगों को मस्टर्ड की स्मेल के बारे में अंदाजा है ना। सरसों का जो तेल होता है उसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, और अगर कभी उसमें पानी चला जाए वो थोड़ा अजीब तरह से महकने लगता है। तो ये जो पंजेंसी आपको आ रही है, ये जो ऑयल है, इस ऑयल में जो पंजेंसी आ रही है, अनप्लीजेंट स्मेल आ रही है, या ऐसी स्मेल आ रही है जो आपको पसंद नहीं है, उसी को हम यहाँ पे पंजेंसी कह रहे हैं या फिर अनप्लीजेंट स्मेल कह रहे हैं। ये किसकी वजह से आ रही है? तो ये जो आपके सरसों का तेल होता है इसमें ग्लाइकोसाइड्स और सिंजीरिन पाया जाता है। यही आपके ऑप्शन में था, पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंजीरिन या इसके साथ साथ ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होता है, तो इसकी होती है हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस के बाद बनता है एलिल आइसोथायो सैनेट। और इसी सब्सटेंस की वजह से हमें सरसों के तेल के अंदर जब पानी चला जाता है तो हमें एक अजीब सी स्मेल आती है। तो ये पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है पाम ऑयल। पाम प्लांट से मिलता है, साइंटिफिक नेम एलीस जुनेंसिस होता है। ये एरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला है कोकोनट। कोकोनट की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो इंडोस्पर्म होता है। खाने योग्य पार्ट इसका इंडोस्पर्म है। इसका साइंटिफिक नेम कोकोस न्यूसिफेरा होता है। ये आपका एरिकेसी फैमिली या फिर पामी से बिलोंग करता है। और कोकोनट का जो प्लांट होता है वो अपने आप में एक मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस का मतलब ये होता है कि जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं सेम इनफ्लोरेसेंस पे। यानी आप ये कह सकते हैं कि मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर बॉर्न हो जाते हैं, इसलिए इस प्लांट का नाम हमने रखा हुआ है मोनोसियस। इसके अंदर जो प्रिंसिपल फैटी एसिड प्रेजेंट होता है वो लॉरिक एसिड होता है। तो ये कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स थी जिनकी मदद से हम लोग वेरियस काइंड के वेजिटेबल ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड इवनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।